बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि तूफ़ान के साथ क्या चीज़ आ गई थी हमारे गार्डन में। तो ज़रूर बने रही वीडियो में, आपको दिखाऊंगी। तो ये जो है ना, मैंने पॉट तैयार किया था सीड के लिए, सीड को ग्रो करने के लिए। कोई भी सीड आप गलने सड़ने से बचाने के लिए इसमें ग्रो करें, ये बहुत अच्छा रहता है और इसमें सीड ग्रो होते हैं सही से, और फिर आप उसके बाद ज़मीन में से लगा सकते हैं, बड़े पॉट में से लगा सकते हैं। तो ये सीडलिंग ट्रे कहलाती है बेसिकली। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप घर पर इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने खाली बोतल ले ली थी और इसमें मैंने होल्स कर लिए थे जो काफ़ी बड़े हो गए थे मुझसे। तो इसके बाद मैंने आटे की बोरी का टुकड़ा लेकर इसमें लगा दिया, जिससे इससे मिट्टी गिरे नहीं और इसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा था। तो इस तरह से आप सीड को लगा सकते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पर सुबह बांस रखा हुआ था मेरे गार्डन में, और ये पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गया था तूफ़ान के साथ। असल में ये बांस का टुकड़ा मेरे गार्डन में इस वजह से था क्योंकि मैंने अपने प्लांट्स को तूफ़ान से बचाने के लिए एक सोल्यूशन सोचा था, और इस पर वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, जो बंदा इसे लेके आया था बांस को, उसको 21 तोपों की सलामी है कि ये गार्डन में आया किस तरह से, इसकी एंट्री किस तरह हुई। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हिलाने की भी जगह नहीं थी, जब मैं इसे हिला रही थी तो ये बिल्कुल जो है ना अपनी जगह पर स्टेट था, क्योंकि हिल ही नहीं सकता था अपनी जगह से। काफ़ी बांस थे मेरे गार्डन में जो कि मैंने तोरी की बैलों के लिए लगाए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।